हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेस अजमेर। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो गाइस, अपन पहली क्लास ले चुके हैं गेहूं की, आज अपनी सेकंड क्लास है गेहूं की। आज अपन गेहूं को कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो गाइस, अपन सिंपल वे में चल रहे, अपन को अच्छी तरह कम टाइम में अपने को अच्छे से क्रॉप याद होनी चाहिए। अब एक क्लास ले नहीं सकते गाइस, क्योंकि एक क्लास काफी लेंथी हो जाती है, 1.5-2 घंटे की हो जाती है। तो एक क्लास को लगातार देखती हुए भी बोर हो जाते हैं। तो इस वजह से गाइस, हमने इसकी दो दो क्लास की। हर क्रॉप की अपन दो क्लास पढ़ेंगे, और कोई ज्यादा बड़ी क्रॉप है तो उसकी 3 क्लास भी हो सकती है। तो गाइस, बने रहिए हमारे चैनल पे, और चैनल वीडियो को देखने से पहले चैनल को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पढ़ते हैं गाइस आगे गेहूं में। तो गेहूं अपन कल एक क्लास ले चुके हैं, गेहूं की आज दूसरी क्लास है। तो गाइस, गेहूं अपन ने लास्ट बीज उपचार एवं बीज दर अपन ने पढ़ ली थी। आज गाइस अपन पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। गेहूं में कौन कौन सी सिंचाई होती है, और कितनी सिंचाई दी जाती है, और कौन से स्टेज में कौन सी सिंचाई दी जाती है। तो गाइस, आज अपन पढ़ेंगे गेहूं में सिंचाई। तो गाइस, जो गेहूं में सिंचाई दी जाती है वो दी जाती है सीआरआई स्टेज को बोलते हैं शीर्ष जड़ फुटान अवस्था। शीर्ष जड़ फुटान अवस्था सीआरआई स्टेज में सिंचाई दी जाती है। इसे बोलते हैं गाइस सीआरआई स्टेज को, ये बोला जाता है क्रिटिकल स्टेज में कौन सी सिंचाई की जाती है, वो की जाती है सीआरआई स्टेज, शीर्ष जड़ फुटान अवस्था। और ये कितने दिन बाद की जाती है, तो गाइस ये की जाती है 21 दिन बाद, बुवाई से 21 दिन बाद सिंचाई की जाती है, वो की जाती है गाइस सीआरआई स्टेज, जिसे अपन कोहरा भी बोलते हैं ग्रामीण भाषा के अंदर। फर्स्ट सिंचाई जो की जाती है वो की जाती है सीआरआई स्टेज में, शीर्ष जड़ फुटान अवस्था के अंदर, वो की जाती है बुवाई से 21 दिन बाद। अगर ऑप्शन में गाइस 21 दिन नहीं है तो ऑप्शन में आंसर जाएगा 20 से 25 दिन भी लिख सकते हैं, बुवाई से 20 से 25 दिन बाद। ये गाइस अंतराल के अंदर अगर आता है, अंतराल के अंदर अगर पूछता है, तो अंतराल के अंदर 20 से 25 दिन आंसर जाएगा। लेकिन एक्चुअल अगर एक ही डेट एक ही चीज पूछ रहा है 21 20 22 ऑप्शन में है, तो वहां 21 दिन जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना, अंतराल के अंदर तो 20 से 25 दिन जाएगा, और एक्चुअल पूछे तो 21 दिन बाद, बुवाई से 21 दिन बाद सीआरआई स्टेज होती है। अब अपन देखते हैं सामान्यतः गेहूं के अंदर कितनी सिंचाई की जाती है। तो गाइस, बात करूं मैं सामान्यतः गेहूं के अंदर 6 सिंचाई की जाती है। तो नोट डाउन करो, सामान्यतः गेहूं में 6 सिंचाई की जाती है, 6 सिंचाई की जाती है। तो भाई बात करते सामान्यतः गेहूं के अंदर 6 सिंचाई की जाती है। लेकिन बात करूं मैं, अगर अपने पास एक ही सिंचाई उपलब्ध है तो एक सिंचाई अपन कब करते हैं। तो अगर एक सिंचाई उपलब्ध है तो उसको करेंगे अपन सीआरआई स्टेज में, सीआरआई अवस्था में। और अगर अपने पास दो सिंचाई है तो पहली सिंचाई करेंगे अपन सीआरआई स्टेज में, दूसरी करेंगे देरी से कल्ले फूटते समय। तो अगर दो सिंचाई है अपने पास, दो सिंचाई की विविधता है, तो पहली सिंचाई तो करेंगे अपन सीआरआई स्टेज, दूसरी करेंगे देरी से कल्ले निकलते समय। तो गाइस, अपने पास अगर दो सिंचाई है तो पहली सिंचाई तो अपन कर देंगे सीआरआई स्टेज में, दूसरी सिंचाई करेंगे अपन देरी से कल्ले निकलते समय। अगर अपने पास तीन सिंचाई उपलब्ध है तो पहली तीन सिंचाई उपलब्ध है तो तीन सिंचाई उपलब्ध है तीन सिंचाई तो गाइस पहली सिंचाई करेंगे अपन सीआरआई स्टेज के अंदर, दूसरी करेंगे बूटिंग अवस्था, और तीसरी करेंगे गाइस बूटिंग अवस्था दूसरी सिंचाई, और तीसरी करेंगे इस दूध की अवस्था। जब दाने के अंदर दूध बनता है तो उस अवस्था में अपन तीसरी सिंचाई कर देंगे। अगर अपने पास तीन सिंचाई उपलब्ध है तो, और अपने पास 6 सिंचाई उपलब्ध है तो अपन पहली कर देंगे सीआरआई स्टेज के अंदर, दूसरी कर देंगे गले निकलते समय, तीसरी कर देंगे बूटिंग अवस्था के अंदर।
चौथी कर देंगे अपन दुधियापन अवस्था के अंदर, और पांचवी करेंगे अपन जो लास्ट स्टेज होती है पकाप की उसके अंदर। तो अपन के पास छह से चाहिए तो अपन नॉर्मली सामान्य छह से चाय दे सकते हैं, लेकिन अपने पास तीन से चाहिए तो तीन से चाहिए को अपन इस प्रकार देंगे, दो से चाहिए तो दो को इस प्रकार देंगे, और एक से चाहिए तो सीआरआई स्टेज में अपन सिंचाई देंगे। तो ये तो होगी गाइस सिंचाई की बात। सिंचाई में पहली क्रिटिकल कंडीशन कौन सी, क्रिटिकल अवस्था कौन सी है, क्रिटिकल अवस्था है सीआरआई स्टेज, जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है गेहूं के अंदर क्रिटिकल स्टेज कौन सी है सिंचाई की, वो है सीआरआई स्टेज। सीआरआई स्टेज है शीर्ष जड़ फुटान अवस्था। तो इसमें अपन कब करते हैं, 21 दिन बाद अपन सिंचाई करते हैं, जिसे अपन ग्रामीण भाषा के अंदर फर्स्ट सिंचाई करते हैं, जिसे अपन ग्रामीण भाषा के अंदर कोहरा भी बोलते हैं। कोहरा जो देते हैं अपन गेहूं के अंदर फर्स्ट सिंचाई, वो है सीआरआई स्टेज। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ेंगे अपन उर्वरक के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें, कितने उर्वरक देने चाहिए, कौन कौन से उर्वरक देने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इसमें उर्वरक, खाद एवं उर्वरक। तो गाइस अपन यहाँ पे सबको नॉर्मली अच्छे से पढ़ते हुए चल रहे, तो गाइस आप घबराए नहीं, क्योंकि क्लास एक लेने से फायदा नहीं है, क्योंकि एक क्लास मिनिमम 1.5-2 घंटे की बनेगी और वो बहुत लेंथी हो जाएगी, अपन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। इस वजह से गाइस शॉर्ट शॉर्ट क्लास बना रहे हैं आपके लिए, दो क्लास बनाइए, तो गाइस ये क्लास जरूर देखें, उसके बाद ये क्लास जरूर देखें, ऐसा नहीं पहले ये देख ले फिर वो देख ले तो कुछ समझ नहीं आएगा, पहले वो देखें फिर इसको बाद में ये देखें, और वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आगे बढ़ते हैं गाइस उर्वरक, उर्वरक कौन कौन से दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं एनपीके। एनपीके की मात्रा उर्वरक के अंदर रखी जाती है, तो एन की मात्रा रखी जाती है 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पी की मात्रा रखी जाती है, वो रखी जाती है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और गाइस जो पोटेशियम की मात्रा रखी जाती है वो रखी जाती है 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो गाइस ये अपन उर्वरक देते हैं, 100 से 120 किलोग्राम तो अपन नाइट्रोजन देते हैं, 40 किलोग्राम अपन फास्फोरस देते हैं, और 60 किलोग्राम अपन पोटास देते हैं। ये अपन गेहूं के अंदर जो खाद है उर्वरक है वो अपन ये इस मात्रा में देते हैं, और ये तो गाइस ये अपन उर्वरक देते हैं, पोटेशियम की मात्रा रखी जाती है 30, सॉरी पोटेशियम की मात्रा की जाती है 30 किलोग्राम। तो अपन इसको कैसे देते हैं, तो अपन देते हैं गाइस आधा नाइट्रोजन प्लस पूरा फास्फोरस। तो अपन बुवाई के समय बेसल डोज के रूप में देते हैं, और गाइस आधा नाइट्रोजन वो अपन देते हैं गाइस टॉप ड्रेसिंग के रूप में। तो गाइस जो अपन उर्वरक देते हैं आधा नाइट्रोजन प्लस पूरा फास्फोरस, तो अपन बुवाई के समय बेसल डोज के रूप में देते हैं, और आधा नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग जब फसल होकर आती है, अंकुर हो जाता है, फसल थोड़ी 20-22 दिन बड़ी हो जाती है, तो अपन उसमें जो अपन देते हैं छिड़काव विधि द्वारा जो अपन नाइट्रोजन खाद देते हैं यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जो यूरिया देते हैं अपन छिड़काव द्वारा उसे बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। खड़ी फसल में उर्वरकों को देने की क्रिया को बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग, और बेसल डोज किसे बोला जाता है, बुवाई से पूर्व जमीन के अंदर उर्वरकों को देने की क्रिया, बुवाई के समय जमीन के अंदर उर्वरकों को देने की क्रिया को बोला जाता है बेसल डोज, और टॉप ड्रेसिंग खड़ी फसल में उर्वरकों को देने की क्रिया को बोला जाता है टॉप ड्रेसिंग। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए उर्वरक कितनी मात्रा में दिए जाते हैं, और आधा नाइट्रोजन अपन टॉप ड्रेसिंग में देते हैं, आधा अपन बेसल डोज के रूप में। खरपतवारों की बात कर लेते हैं, खरपतवार तो गाइस मैं बात करूं गेहूं के अंदर जो खरपतवार पाए जाते हैं, तो गेहूं के अंदर दो खरपतवार पाए जाते हैं मेनली बात करते हैं, एक होते हैं गाइस नकलची खरपतवार, एक होते हैं गाइस आपत्तिजनक खरपतवार। नकलची खरपतवार के लिए बोला जाता है, नकलची खरपतवार होता है जो गेहूं के समान संरचना व संरचना बाहरी संरचना है, रंग है, आकृति है लिए हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं गाइस नकलची खरपतवार। आपत्ति खरपतवार के लिए बोला जाता है
बेखरफगार जो एक बार बीज के साथ मिलने पर उन्हें अलग आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें बोलते हैं आपत्तिजनक खरपतवार। तो नकलची खरपतवार कौन सा है? तो गेहूं का नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार, तो नकलची खरपतवार तो है गाइस गेहूं सा, जिसे गेहूं का मामा भी बोला जाता है गाइस। गेहूं सा को गुल्ली डंडा भी बोला जाता है, गेहूं सा को गेहूं का मामा भी बोला जाता है। और गाइस एक है आपत्तिजनक खरपतवार, आपत्तिजनक खरपतवार। तो गाइस मैंने आपको खरपतवारों के अंदर अच्छे से बताया था आपत्तिजनक खरपतवार कौन से होते हैं और नकलची कौन से होते हैं। हिरणखुरी सरसों के अंदर गाइस आपत्तिजनक खरपतवार बताया था मैंने सब आपको सत्यानाशी, और गेहूं के अंदर आपत्तिजनक खरपतवार वो है हिरणखुरी। हिरणखुरी के जो बीज होते हैं बिल्कुल गेहूं के बीजों के समान होते हैं, अगर एक बार ये गेहूं के बीजों में मिक्स हो जाते हैं तो इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे गाइस सरसों के अंदर अगर सत्यानाशी के बीजों का ये मिल जाना तो उन्हें आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो ये चीज है गाइस आपत्तिजनक खरपतवार, वे खरपतवार जो एक बार बीजों के साथ मिलने पर उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता उन्हें आपत्तिजनक खरपतवार बोला जाता है। नकलची खरपतवार वे खरपतवार जो बाहरी संरचना में तथा बनावटी में बिल्कुल हूबहू फसल मेन फसल के समान होते उन्हें बोला जाता है नकलची खरपतवार, जो है अपना गेहूं के अंदर नकलची खरपतवार है गेहूं सा। तो ये अपने को ध्यान रखने, आगे अपन करते हैं खरपतवार प्रबंधन की, खरपतवारों को रोक कैसे जाता, कौन से खरपतवार के लिए कौन सा खरपतवार नाशी उपयोग किया जाता है तो अपन देखते हैं गाइस। तो आगे अपन पढ़ेंगे गाइस खरपतवार नाशी या खरपतवार प्रबंधन। तो आगे पढ़ते हैं गाइस खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी के लिए बोला जाता है गाइस बे केमिकल बे रसायन जिनसे खरपतवारों को नष्ट किया जाता है उन्हें बोलते हैं गाइस खरपतवार नाशी। तो खरपतवार नाशी कौन कौन से, तो एक तो है गाइस खरपतवार है 2,4-D मेटासल्फिरॉन, तो गाइस जो 2,4-D है और मेटासल्फिरॉन है इनको दिया जाता है पीयूई अवस्था। पीयूई पीयूई क्या है गाइस, पीयूई बुवाई के बाद तथा अंकुरण के बाद दी जाने वाले खरपतवार को बोलते हैं पीयूई अवस्था में खरपतवार दिए जाते हैं। वह खरपतवार जो बुवाई के बाद तथा अंकुरण के बाद दिए जाते हैं खड़ी फसल में इनको देते हैं उन्हें बोलते हैं पीयूई। तो गाइस ये जो खरपतवार है दोनों ये एक खरपतवार है चौड़ी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो गाइस जो ये खरपतवार है 2,4-D और मेटासल्फिरॉन, तो ये खरपतवार क्या करते हैं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करते हैं ये। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी कौन से, वो है गाइस 2,4-D और मेटासल्फिरॉन। आगे आता है आइसोप्रोट्यूरॉन, आइसोप्रोट्यूरॉन, और एक आता है सल्फोसल्फिरॉन, सल्फिरॉन। तो गाइस इनको भी पीयूई अवस्था के अंदर ही दिया जाता है, पीयूई का मतलब होता है गाइस बुवाई से पूर्व दिए जाने वाले खरपतवार पीयूई, एक होता है पीई एक होता है पीपीआई। तो गाइस ये पीओई है बुवाई से पहले दिए जाने वाले खरपतवार। तो गाइस जो ये है सल्फोसल्फिरॉन है ये गाइस सकड़ी पत्ती वाले, सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार खरपतवार खरपतवारों को नष्ट करते हैं। तो गाइस जो सल्फोसल्फिरॉन है
वो क्या करते हैं सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी है सल्फो सल्फ्यूरोन, और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी है वो है मेटा सल्फ्यूरोन और 2,4-D, ये है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी, सकड़ी पत्ती वाले सल्फो सल्फ्यूरोन। एक आता है पेंडामेथालिन, तो गाइस इसको दिया जाता है पी अवस्था में, पी अवस्था होती है बुवाई के बाद तथा अंकुरण से पहले, तो गाइस जो पेंडामेथालिन खरपतवार नाशी है उसको उपयोग किया जाता है बुवाई के बाद तथा अंकुरण से पहले। कौन से खरपतवार नाशी को उपयोग करते हैं, वो करते हैं गाइस पेंडामेथालिन। ये गाइस खरपतवारों का उपयोग अपन गेहूं के अंदर करते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है 2,4-D और मेटा सल्फ्यूरोन, सकड़ी वाले पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है सल्फो सल्फ्यूरोन। ये अपने को ध्यान रखना है आगे। तो गाइस यहां एक नोट करके लिखो, ये किस्म है अर्जुन या HD 2009, यह जो किस्म है ये गाइस 2,4-D खरपतवार नाशी के संवेदनशील है। तो गाइस यहां नोट डाउन कर लो, नोट अर्जुन या HD 2009 किस्म 2,4-D खरपतवार नाशी के प्रति संवेदनशील किस्म है। तो गाइस जो है अर्जुन HD 2009 जो किस्म है ये है 2,4-D खरपतवार नाशी के संवेदनशील किस्म है। तो देखते हैं अपन गेहूं किस प्रकार का होता है, गेहूं सा किस प्रकार का होता है, कुछ गाइस इसके अंदर अंतर है तो वो अंतर देख लेते हैं अपन गेहूं और गेहूं सा के अंदर। तो देखते हैं गाइस, तो गाइस अगला पॉइंट है गेहूं में गेहूंसा में अंतर, गेहूंसा में अंतर। तो गाइस गेहूं में गेहूंसा में अंतर देख लेते, तो गेहूं में गेहूंसा में अंतर क्या होता है, इधर लिख लो गाइस गेहूं, इधर लिख लो गेहूंसा। तो गाइस जो गेहूं है, गेहूं के अंदर गाइस जड़ों का रंग गेहूं के अंदर तो होता है गाइस सफेद, और गाइस जो है गेहूं सा के अंदर जड़ों का रंग गेहूं सा की जड़ों का रंग होता है गाइस गुलाबी। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए, गेहूं की जड़ों का रंग होता है सफेद, गेहूं सा की जड़ों का रंग होता है गुलाबी। आगे अपन का बात करते हैं गेहूं में ऑरिकल उपस्थित होते हैं, ऑरिकल उपस्थित होते और गैस गेहूंसा के अंदर ऑरिकल अनुपस्थित होते हैं। आगे अपन बात करते हैं गैस टेस्ट वेट की, परिरक्षण भार होता है 100 दानों का वजन, वो गेहूं का होता है 40 ग्राम, और गैस इसका गेहूंसा का परिरक्षण भार वो होता है गैस 2 ग्राम। तो गाइस ये चीज अपने को पता होना चाहिए, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, परिरक्षण भार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, ये अपने को पता होना चाहिए गाइस। एग्जाम में कई बार पूछा गया गेहूंसा का परिरक्षण भार कितना होता है और गेहूं का परिरक्षण भार कितना होता है। तो गेहूं का परिरक्षण भार का मतलब है 100 दानों का वजन, वो होता है 40 ग्राम, और बात करते हैं गेहूंसा की, गेहूंसा के अंदर 100 दानों का वजन वो होता है गैस 2 ग्राम। तो ये अपने को पता होना चाहिए। तो गैस ये है कुछ अंतर है इनके अंदर, गेहूं की जड़ों का रंग सफेद होता है, गेहूंसा की जड़ों का रंग गुलाबी होता है, गेहूं के अंदर ऑरिकल उपस्थित होते हैं, गेहूंसा के अंदर ऑरिकल अनुपस्थित होते हैं। टेस्ट वेट की बात करें गेहूं का 40 ग्राम और गेहूंसा का 2 ग्राम, तो ये अपने इसमें है। तो बात करते हैं इस गेहूं की किस्मों की, प्रमुख किस्में, प्रमुख किस्में। तो गेहूं के लिए प्रमुख किस्में कौन कौन सी है,
तो गाइस गेहूं के लिए दो तीन किस्म है, प्रथम एक सिंगल जीन, डबल जीन और ट्रिपल जीन। तो सिंगल जीन है वो देख लेते हैं अपन, एकल ड्वार्फ जीन, एक एक जीन ड्वार्फ किस्म है, एक जीन ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है गाइस बोनी, बोनी किस्म है, एक जीन ड्वार्फ किस्म है वो है गाइस। पहली है गाइस एक जीन ड्वार्फ किस्म है वो कौन कौन सी, एक जीन ड्वार्फ किस्मों की बात करें तो वो है गाइस लर्मा, रोजा, सुजाता, लर्मा, रोजा, सुजाता और सोनालिका, सोनालिका। तो गाइस सिंगल जीन किस्म कौन सी है, लर्मा, रोजा, सुजाता, सोनालिका। एक जीन है, एक जीन द्वार किस्म है, लर्मा, रोजा, सुजाता, सोनालिका, एक जीन द्वार किस्म है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कौन कौन सी किस्म है, वो है लर्मा, रोजा, सुजाता, सोनालिका। तो आपको ये तो याद करनी ही पड़ेगी गाइस, इनमें कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको ये सिंपल वे में याद हो रही है, लर्मा, रोजा, सुजाता, सोनालिका, एक ही सिंगल वे पे नाम है गाइस इनका, तो आप इनको याद कर सकते हैं आसानी से। अगली आती है गाइस डबल, डबल जीन द्वार्फ किस्म है, जीन द्वार्फ किस्म है। तो गाइस डबल जीन द्वार्फ किस्म कौन कौन सी है वो देखते हैं, तो वो है खर्चिया 65, खर्चिया 65, और वो है एक है गाइस खर्चिया 65 एचडी 2009, एचडी 2009 खर्चिया 65 छोटी लर्मा, छोटी लर्मा। वो आती कल्याण सोना, कल्याण सोना। तो गाइस डबल जीन किस्म कौन कौन सी है, खर्चिया 65 एचडी 2009 छोटी लर्मा और कल्याण सोना, जो किस्म है गाइस वो डबल जीन द्वार किस्म है, ये अपने को पता होनी। सिंगल जीन द्वार किस्म लर्मा, रोजा, सुजाता, सोनालिका, डबल जीन द्वार किस्म खर्चिया 65 एचडी 2009 छोटी लर्मा और कल्याण सोना, ये किस्म है गाइस डबल द्वार। अब बात करते हैं ट्रिपल की, ट्रिपल द्वार, ट्रिपल सीन द्वार किस्म है, तो ट्रिपल जीन द्वार किस्म है वो है गाइस हीरा मोती, हीरा मोती और लाल बादशाह, लाल बादशाह। तो गाइस जो तीन तीनों किस्म है, पहली है ट्रिपल, पहली तो आती है एक जीन द्वार किस्म है लर्मा, रोजा, सुजाता, सोनालिका, दूसरी आती है डबल जीन खर्चे 65 एच 2009 छोटी लर्मा और कल्याण सोना, तीसरी आती है ट्रिपल द्वार किस्म है वह है हीरा मोती लाल बादशाह। आप याद रख सकते हैं गाइस ट्रिपल जीन, ट्रिपल जीन द्वार किस्मों को। अमिताभ बच्चन मूवी बनाता है तो गाइस अमिताभ बच्चन की सभी मूवियों में, अमिताभ बच्चन की एक मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन का हीरा नाम है, एक के अंदर मोती और एक खुद की मूवी है लाल बादशाह। तो अपन ध्यान रख सकते हैं गाइस अमिताभ बच्चन की मूवियों से, कि हाँ मैंने तो ऐसे ध्यान रख रखा है, आप जैसे याद रख सकते वैसे रखो। तो गाइस यहाँ पर रख सकते हैं आराम से हीरा मोती लाल, हीरा मोती लाल बादशाह जो किस्म है वो है ट्रिपल जीन किस्म। आगे पर बात करते हैं गाइस अन्य किस्मों की, इसकी कुछ अन्य किस्में और हैं, तो आगे बात करते हैं अन्य किस्में, अन्य किस्में। तो अन्य किस्मों के अंदर आती है गाइस वो आती है राज 3077, एक आती है गाइस राज 3777। तो गाइस अन्य किस्मों में है राज की जो किस्म है, राज आगे लगा हुआ है तो वो गेहूं की किस्म होगी, कि अब राज 3077, राज 3777 और एक आती है गाइस लोक वन, लोक वन और एक आती है गाइस WH1147। तो गाइस ये अन्य किस्मों के अंदर है राज 3077, राज 3777, लोक वन और WH147। लोक वन तो गाइस एक नाम, अलग नाम ट्रेंड दे रखा है लोकमन, लोकमन। तो गाइस लोक वन को लोकमन बोलते हैं, कहीं पे भी आप देख लेना लोक वन कोई नहीं बोलेगा, लोकमन ही बोलेंगे, लोकमन गेहूं।
तो गाइस ये जो किस्में हैं ये अन्य किस्मों के अंदर आती है, राज 3077 3777 लोकवन, और एक आती है WH-147। ये जो किस्में हैं गाइस गेम की किस्में हैं ये अपने को पता होना चाहिए। सिंपल किस्में हैं गाइस, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक बार याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। जैसे सिंगल जीन नर्मा रोजा सुजाता सोनाली का, डबल जीन आती है खर्चिया 65 HC-2009 कल्याण सोना, और एक आती है छोटी लर्मा। आगे आती है ट्रिपल जी, ट्रिपल जी ने हीरा मोती बादशाह, हीरा मोती लाल बादशाह, और आगे आती है अन्य राज 3077 3777, और एक आती है गाइस इसके अंदर लोकवन और WH-147। जो ये किस्में गाइस गेहूं की किस्में। आगे पर बात करते हैं गाइस इसके कुछ भंडारों के लिए, बात कर लेते भंडारों के लिए कितना तापमान चाहिए कितना नहीं चाहिए वो अपन देख लेते हैं गाइस। गाइस ज्यादा कुछ है नहीं, डिफिकल्ट है नहीं, नॉर्मली है गेम, ज्यादा इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं कि अपने पे याद नहीं हो, अगर अपन याद आराम से याद कर सकते हैं तो ज्यादा टेंशन लेना है नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं वो सफिशियंट है, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं एग्जाम के अंदर। तो आगे बात करते हैं भंडारण की, भंडारण की बात करूं तो गाइस तो जो सभी खाद्यान्न फसलें हैं, सभी खाद्यान्न फसलों के लिए सामान्यतः भंडारण के लिए नमी 10-12% नमी रखी जाती है। भंडारण के लिए सभी खाद्यान्न फसलों के अंदर नमी 10-12% रखी जाती है, ये चीज अपने को पता होना चाहिए गाइस। सभी खाद्यान्न फसलों में भंडारण के लिए नमी 10-12% रखी जाती है। तो गाइस भंडारण के लिए नमी जो रखते हैं सामान्यतः वो रखते हैं 10-12%, लेकिन अपन बात करते हैं गेहूं की, गेहूं में भंडारण के लिए नमी वो रखते हैं गाइस 12%। और बात करूं मैं गाइस धान की, धान में भंडारण के लिए नमी वो रखते हैं 14%। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना, मैंने यहाँ क्यों लिखा है धान का, क्योंकि धान का अपने को याद रखना, सिमिलर वे में अगर ये एक जगह लिखे होते तो आराम से आसानी से याद हो जाते। धान के लिए अपन नमी रखते हैं 14%, बाकी पर ऑलमोस्ट क्रॉप की बात करें खाद्यान्न फसलों की तो उनके लिए नमी रखते हैं 10-12% के बीच में ही रखते हैं, लेकिन गाइस अपन गेहूं के लिए रखते हैं 12 और धान के लिए रखते हैं 14, ये चीज अपने को याद होनी चाहिए। आगे अपन बात करते हैं इसकी कीटों की, कौन कौन से कीट होते हैं, तो गाइस इसके अंदर एक कीट होता है दीमक का नाम है ट्रवस ओडेंटो ट्रवस ओबेसस। तो गाइस जो दीमक है उसका नाम होता है ओडेंटो ट्रवस ओबेसस, अटपटा सा नाम है गाइस याद रखना है, दीमक का नाम है ओडेंटो ट्रवस ओबेसस, ये अपने को पता होना चाहिए। तो गाइस ये जो कीट होता है ये जमीन के अंदर होता है, ये क्या करता है गाइस तने को और उनको सबको गला देता है और उनको एक मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसका कार्य क्या है गाइस, इसका कार्य है जो अपन जो पौधे की जो सेल्यूलोज है ये सेल्यूलोज को खाता है, मुख्य भोजन होता है वो होता है सेल्यूलोज, यह सेल्यूलोज को खाता है और सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है, वो करता है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा जो है वो एक सूक्ष्म जीव है और यह सूक्ष्म जीव क्या कहाँ पाया जाता है, यह सूक्ष्म दीमक की आंतों के अंदर पाया जाता है। तो गाइस बात करते हैं दीमक की, तो इसका मुख्य भोजन सेल्यूलोज को खाता है सेल्यूलोज, और गाइस इसका पाचन सेल्यूलोज का पाचन वो करता है ट्राइकोनिम्फा सूक््म जीव करता है जो दीमक की आंत में पाया जाता है,
आंख में पाया जाता है। तो गाइस जो क्या है दीमक का मुख्य भोजन क्या होता है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का पाचन कौन करता है, वो करता है ट्राइकोनिम्फा। और ट्राइकोनिम्फा कहाँ पाया जाता है, ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है दीमक की आंख के अंदर पाया जाता है। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए दीमक के बारे में, इसका मुख्य भोजन सेलुलोज होता है, इसका पाचन ट्राइकोनिम्फा सूक्ष्मजीव करता है, और यह सूक्ष्मजीव दीमक की आंत के अंदर पाया जाता है। ये आगे बात करते हैं गाइस, जो दीमक है दीमक का प्रकोप कहाँ पे होता है, तो गाइस दीमक का प्रकोप चिकनी काली मृदाओं के अंदर तो होगा नहीं, क्योंकि चिकनी काली मृदा बहुत कठोर होती है। तो दीमक का प्रकोप है वो बलुई दोमट मृदा के अंदर होता है। तो दीमक का जो प्रकोप है दीमक का प्रकोप होता है बलुई या दोमट मृदा में, दोमट मृदा में। तो गाइस दीमक का प्रकोप है वो बलुई या दोमट मृदा के अंदर इसका प्रकोप होता है। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। आगे अपन बात करते हैं जिसके रोगों की, रोग कौन कौन से, तो रोग देख लेते हैं गाइस, इसमें कई रोग हैं वो अपन देखते हैं एक एक सिमिलर करके यहाँ रोग पड़ेंगे गाइस। तो अगर आगे अपन देखते हैं गाइस इसके रोगों की कौन कौन से रोग हैं इसके अंदर, तो देखते हैं गाइस। तो गाइस अपने को पता होना चाहिए दीमक, दीमक के बारे में पता होना चाहिए दीमक कौन सी मृदा में अधिक प्रकोप करता है। तो दीमक अपने को ध्यान होना चाहिए बलुई दोमट मृदा के अंदर दीमक का अधिक प्रकोप होता है। और अपन बात करते हैं दीमक का भोजन क्या होता है, वो होता है सेलुलोज। तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं गाइस रोग कौन कौन से रोग है, तो गाइस पहला रोग आता है रोली रोग। तो गाइस इसके अंदर कई रोली रोग है, तो अपन देख लेते हैं। पहली इसके अंदर रोली आती है, पहली आती है काली रोली, रोली रोग। दूसरी है गाइस पीली रोली रोग, और गाइस तीसरा है भूरी रोली रोग। तो गाइस इसके अंदर तीन रोली रोग हैं, पहली है काली रोली रोग, पीली रोली रोग, और तीसरी है भूरी रोली रोग। ये अपने को है। तो गाइस अपनी पहली है काली रोली रोग, वो किसके थ्रू होती है, वो होती है गाइस पक्सीनिया टेस्टिस है, ये गाइस फफूंद है पक्सीनिया टिट्रीसाई। और ये गाइस होते तने के अंदर, जो गाइस काली रोली रोग है वो तने के अंदर होती है, और ये होते पक्सीनिया टिट्रीसाई जो फफूंद है उसके थ्रू होती है। आगे अपन बात करते हैं पीली की, तो पीली होती पीली होती पक्सीनिया स्टीफोर्मिस, पक्सीनिया स्टीफोर्मिस फॉर्मिस। तो गाइस आगे पक्सीनिया स्टीफोर्मिस, ये है पीली रोली रोग, ये है गाइस पक्सीनिया स्टीफोर्मिस जो है फफूंद, ये होते स्ट्रिप्स के अंदर, स्ट्रिप के अंदर यह होती है गाइस। आगे अपन बात करते हैं भूरा पक्सीनिया रिकोडिटा, और ये गाइस होती है पत्ती के अंदर। तो गाइस पहली है काली रोली रोग, वो होती है पक्सीनिया टिट्रीसाई तने के अंदर। दूसरी पीली रोली रोग, वो होती है पक्सीनिया स्टेफिफॉर्मिस, वो होती है स्ट्रिप्स के अंदर। तीसरी होती है भूरी रोली रोग, वो होती है पक्सीनिया रिकोडिटा जो कि तने के अंदर होती है। तो गाइस ये है रोली रोग। आगे अपन बात करो अनावृत कंडवा रोग, तो दूसरा है गाइस अनावृत कंडवा रोग जो होता है वो होता है अस्टी लेवल टिट्रीसाई फफूंद के थ्रू होता है। क्या नाम है गाइस फफूंद का, अस्टी लेगो टिट्रीसाई, टिट्रीसाई फफूंद। तो ये जो कंडवा रोग अनावृत कंडवा रोग है, ये बीज का अंत बीजी रोग है। सॉरी गाइस अंत बीजीय रोग। सॉरी गाइस तो गाइस अनावृत कंडवा रोग है वो अंतःबीजीय रोग है। यह गाइस कौन सी फफूंद के थ्रू होता है, ये होता है अस्टीलेगो टिट्रीसाई फफूंद है,
उसके थ्रू गाइस ये रोग होता है अनावृत कंठ रोग। तो गाइस तीसरा रोग आता है वो आता है इथर कोकल रोग, इथर कोकल रोग होता है वो नेमेटोड के द्वारा होता है, नेमेटोड। और गाइस नेमेटोड का नाम है एग्यूना एग्यूना टीट्रीसाइड। तो गाइस जो इथर कोकल रोग है वो नेमेटोड के द्वारा होता है, नेमेटोड के द्वारा होता है और नेमेटोड का नाम है एग्यूना टीट्रीसाइड, नेमेटोड है उसके थ्रू गाइस जो ये है इथर कोकल रोग होता है। तो गाइस चौथा रोग आता है ये वो आता है टुंडू रोग, इम्पोर्टेंट है गाइस टुंडू रोग इम्पोर्टेंट है, अपने को गाइस कई बार एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है। तो गाइस चौथा रोग आता है इसके अंदर टुंडू रोग। तो टुंडू रोग किसके द्वारा होता है, टुंडू रोग गाइस अभी अपन ने निमेटोड पढ़ा था, इथर कोकल रोग का निमेटोड है एग्यूना टीट्रीसाइड। तो उसके थ्रू अपन देखते हैं गाइस आगे आता अपना टुंडू रोग। आगे आता है चौथा रोग टुंडू रोग, टुंडू रोग। तो गाइस टुंडू रोग जो होता है वो होता है एक तो एग्यूना टीट्रीसाइड प्लस कल्विफेक्टर निमेटोड के द्वारा। तो गाइस जो टुंडू रोग है, टुंडू रोग किसके थ्रू होता है गाइस, वो होता है एग्यूना टीट्रीसाइड प्लस कल्टीफैक्टर निमेटोड जो होते हैं उनके थ्रू टुंडू रोग होता है गाइस। अपने को सिर्फ यही ध्यान रखना है किसके थ्रू हो रहा है, कौन सा निमेटोड है, फफूंद है, उनका नाम अपने को थोड़ा पता होना चाहिए गाइस कि हां ये रोग इसके थ्रू होता है। तो गाइस जो टुंडू रोग है वो होता है एग्यूना टीट्रीसाइड कल्टीफैक्टर निमेटोड रोग है गाइस, करनाल भट्ट इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम के दृष्टि से करनाल भट्ट। तो गाइस अगला आता है करनाल भट्ट, करनाल भट्ट फफूंद के थ्रू फफूंद, और फफूंद का नाम है गाइस नियोसिनिया इंडिका। करनाल भट्ट रोग किसके थ्रू होता है, वो होता है गाइस फफूंद के थ्रू, फफूंद का नाम है गाइस नियोसिनिया इंडिका, ये गाइस एक फफूंद है। और गाइस इसमें क्या होता है, इसमें गाइस सड़ी मछली जैसी गंध आती है, सड़ी खेत के अच्छी छड़ी सड़ी मछली जैसी गंध आती है। क्या होता है गाइस करनाल भट्ट के अंदर सड़ी मछली जैसी गंध आती है और किसके द्वारा होता है, फफूंद के थ्रू, फफूंद का नियोसिनिया इंडिका फफूंद है इसके थ्रू गाइस ये होता है। और अपन बात करते हैं भारतीय भारतीय रोली रोग के जनक, तो गाइस भारतीय रोली रोग के जनक है वो है गाइस केसी मेहता, इंपॉर्टेंट है गाइस डबल स्टार करके कोने के ऊपर पेज के ऊपर लिख लेना। भारतीय रोली रोग के जनक है वो है गाइस केसी मेहता, ये अपने को पता होना चाहिए गाइस भारतीय रोली रोग के जनक कौन है, केसी मेहता। अब बात कर लेते हैं उपज की, उपज तो गाइस गेहूं की उपज होती है 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये तो बात करते हैं सिंचित क्षेत्रों में, सिंचित क्षेत्रों में बात करते हैं गाइस असिंचित क्षेत्रों की, असिंचित क्षेत्रों में तो ऐसे क्षेत्रों में होती है वो होती है गाइस 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो गाइस ऐसे से क्षेत्रों में होती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्रों में होती है 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो गाइस आज गेहूं में अपन ने सब कुछ पढ़ लिया है गाइस, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं उठने वाला, सफिशियंट पढ़ाया आपने। तो गाइस ऐसे गाइस हम आपके लिए क्लास लाते रहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब
वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और गाइस हमसे जुड़ने की ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोशिश करें। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग क्लासेस रोजाना लाते रहेंगे और लाएंगे गाइस। तो सपने के पीछे भाग रहे वो सपने में अपन एक दिन जरूर कामयाब होंगे, लेकिन अपने को ड्रॉप आउट नहीं करना है, किसी भी चीज के अंदर ड्रॉप नहीं करना है। कोई भी चीज है जो चीज अपन ने पकड़ ली है उसको लास्ट तक लेके जाना है, चाहे उसका परिणाम कैसा भी हो उससे नहीं घबराना है, परिणाम से नहीं घबराना है। परिणाम अच्छे होते हैं, मेहनत करने वालों के लिए परिणाम हमेशा अच्छे रखे जाते हैं। तो गाइस ये चीज मत सोचना कि अपन यहाँ जरूर कर ले। मिलेंगे गाइस अगली क्लास में इसी जगह इसी टाइप नई क्रॉप के साथ में, नए जोश के साथ में। ओके गाइस।